नमस्कार। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। हरियाणा सरकार को दिया है सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका, आई है बड़ी खबर। तो हरियाणा में नौकरियों में 5 नंबर का बोनस असंवैधानिक करार, राज्य सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने पलटा, 23,000 नियुक्तियां फंसी। तो हरियाणा में सरकारी भर्ती परीक्षा में सामाजिक आर्थिक आधार पिछड़े उम्मीदवारों को 5 अंक बोनस दिए जाने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सोमवार को दिए फैसले में कोर्ट ने कहा यह असंवैधानिक है। हरियाणा की खट्टर सरकार ने नौकरियों में सामाजिक व आर्थिक आधार पर पिछड़े आवेदकों को 5 बोनस अंक देने का फैसला किया था। फैसला 5 मई 2022 से लागू किया था। इसके तहत जिस परिवार में कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में ना हो और परिवार की आमदनी सालाना 1,80,000 रुपये से कम हो, ऐसे परिवार के आवेदक को 5 अतिरिक्त अंक का लाभ मिलता है। हरियाणा सरकार ने कर्मचारी चयन आयोग के कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी CET में 1,80,000 सालाना इनकम वाले परिवारों को बोनस अंक का लाभ दिया था। राज्य के परिवार पहचान पत्र यानी TPP वाले युवाओं को ही यह फायदा मिला। इसी अन्य अभ्यर्थियों ने कोर्ट में चुनौती दी। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की डबल बेंच ने 31 मई 2024 को बोनस अंक देने के फैसले को खारिज किया था। हाई कोर्ट ने कहा था यह एक प्रकार से आरक्षण देने जैसा है, जब आर्थिक पिछड़ा वर्ग के तहत राज्य सरकार ने पहले ही आरक्षण का लाभ दिया है तो यह आर्टिफिशियल श्रेणी क्यों मनाई जा रही है। हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी और सरकार ने एग्जाम करवाने वाले हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन HSSC के जरिए सुप्रीम कोर्ट में 4 पिटीशन दायर की थी। वही सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से साल 2023 में निकाली गई ग्रुप सी और डी में नियुक्ति पा चुके 23,000 युवाओं को दोबारा एग्जाम देना पड़ेगा। अगर वे पास नहीं हो पाए तो नौकरी से बर्खास्त हो जाएंगे। इन्हें भर्ती वाले साल में ही नियुक्ति भी दे दी गई थी। तो ये बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज़ है। तो लगातार अपडेट रहने के लिए चैनल से जुड़े रहें।